सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अड़ गई है। लिहाजा एससी कॉलेजियम की ओर से एक बार फिर कृपाल के नाम की केंद्र को सिफारिश भेजी गई है और कहा गया है कि सौरभ कृपाल का व्यवहार हमेशा उत्कृष्ट रहा है और जज के तौर पर उनकी नियुक्ति बेंच में विविधता को बढ़ाएगी। बता दें, सौरभ कृपाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बीएन कृपाल के बेटे हैं और हमेशा LGBTQ अधिकारों पर काम करते रहे हैं। वो खुद समलैंगिक समुदाय से आते हैं। 2017 से अब तक कृपाल की नियुक्ति सरकार की कुछ आपत्तियों की वजह से अटक गई थी, जिसके बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को बतौर जज दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्ति करने की सिफारिश भेजी गई है। इस सिफारिश के साथ कृपाल का पक्ष लेते हुए कॉलेजियम का कहना था कि हर एक व्यक्ति को अपने मन मुताबिक सेक्सुअल ओरिएंटेशन रखने का अधिकार हासिल है। सौरभ कृपाल के अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर खुलेपन के चलते उनकी जज के तौर पर उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकता। सौरभ कृपाल का व्यवहार हमेशा उत्कृष्ट रहा है और जज के तौर पर उनकी नियुक्ति बेंच में विविधता को बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, जज के रूप में सौरभ कृपाल की नियुक्ति को खारिज करने पर कॉलेजियम की ओर से कहा गया, संवैधानिक पदों पर मौजूद बहुत से लोगों के पार्टनर विदेशी नागरिक रहे हैं, ऐसे में विदेशी पार्टनर होने की वजह से उनका नाम खारिज करने का कोई औचित्य नहीं है। गौरतलब है कि सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश 2017 में हाईकोर्ट कॉलेजियम की ओर से की गई थी, जिसके बाद 11 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी उनका नाम केंद्र को भेजा था, लेकिन आईबी की रिपोर्ट सौरभ के खिलाफ थी, इसीलिए बात नहीं बन पाई। आईबी रिपोर्ट में सौरभ के पार्टनर का विदेशी मूल का होना और दिल्ली में स्विस दूतावास के लिए काम करना सुरक्षा के लिहाज से आपत्तिजनक बताया गया था। वही आईबी की इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए एक बार फिर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और केएम जोसेफ के कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल का नाम केंद्र को दोबारा भेजा है। वही खास बात यह है कि केंद्र सरकार पहले ही सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश को नामंजूर कर चुकी है। मौजूदा नियम के मुताबिक सरकार कॉलेजियम की सिफारिश को केवल एक बार नकार सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम की ओर से दूसरी बार सिफारिश भेजी गई है तो सरकार के पास उसे मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि केंद्र चाहे तो इस सिफारिश को लंबे समय तक के लिए लटका सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में वह ऐतिहासिक मौका आ जाएगा जब LGBTQ वर्ग का कोई व्यक्ति इस उच्च संवैधानिक पद पर होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।